हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपको मैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम करवाने वाला हूं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, जरूर देखना इस वीडियो को। मैंने पाइथागोरस थ्योरम जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में करा दिया, आज मैं इसका कन्वर्स करवाने वाला हूं। ये दोनों ही थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में पेपर में एज इट इज ऐसे का ऐसा ही उठ के आ जाता है, तो आपको ये रिवाइज ज़रूर कर लेना है। ठीक है, तो बोलता क्या है ये थ्योरम, बड़े ध्यान से देखना। इन द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहती है कि एक साइड का स्क्वायर क्या होगा, अगले दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, देन तब हमें क्या करना है, एंगल ऑफ अपोजिट फर्स्ट साइड, मतलब कि ये जो साइड है इसके अपोजिट में जो एंगल आ रहा है आपका, ये वाला एंगल, ठीक है, उसको हमें राइट एंगल प्रूव करना है। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है, गिवन में क्या कहा है उसने, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। प्रूव, प्रूव में हमें क्या करना है, एंगल बी को 90 डिग्री करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कैसी कंस्ट्रक्शन, पी क्यू आर, एक ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और जिसमें क्यू के ऊपर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ए बी पी क्यू के बराबर, मतलब कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर होना चाहिए और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्स का प्रूफ। देखो प्रूफ में क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ध्यान से देखना, पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस में क्या होता है, यह हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि पी आर का स्क्वायर तो आएगा ही, उसके बाद पी क्यू जो है वो ए बी के बराबर है और क्यू आर जो है वो बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, मतलब इसकी वैल्यू को इसमें पुटअप कर दिया। आगे यहाँ पे देखो ये हो गया, अब ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, गिवन में देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के स्क्वायर के बराबर, मैंने यहाँ भी पुट कर दिया। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा, पी आर इक्वल टू में ए सी, इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं इसको। आगे देखो हमें तो ये चीज़ प्रूव करना है, तो इन दोनों ट्राइंगलों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में क्या है, देखो ए बी जो है वो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और हमने इक्वेशन नंबर वन में क्या किया, ये साइड इसके बराबर प्रूव कर दिया, तीनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बाय साइड 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 से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो मैं क्या कहूँगा कि एंगल क्यू जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, एंगल क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर, और एंगल क्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री के, तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यही था आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कंप्लीट इंपॉर्टेंट थ्योरम।